सब्सक्राइब कीजिए माय एक्साइटिंग व्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। तो व्हाट्स अप मेरी फैमिली, वी आर बैक विद अदर व्लॉग्स। सो गाइस, सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बात बोलना चाहूंगा, वीडियो का सबसे पहले लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपको पूरी कार कलेक्शन दिखाने वाला हूं शरीफ भाई की, क्योंकि आप मेरे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई शरीफ भाई की कार कलेक्शन दिखाओ। पहले हमने आपको सिंगल सिंगल कार के ब्लॉग दिखाया था, तो आज हमने सोचा, मैंने और शरीफ भाई ने सोचा, क्यों ना जाकर पूरी कार कलेक्शन दिखा दी जाए। आज के ब्लॉग में गैस हम आपको हैचबैक, सेडान, एसयूवी सारी दिखाने वाले हैं। तो गैस इस सब की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कौन कौन सी गाड़ी दिखाने वाले हैं बुलाता हूँ शरीफ भाई को, एंड वही हमें बताएंगे कि आज के ब्लॉग में कौन कौन सी गाड़ी दिखाने वाले हैं। तो शरीफ भाई आइए। शरीफ भाई कैसे यार? बढ़िया मतलब। तो गैस एक बात बोलना चाहूँगा, आपके डिमांड पे आज के लॉग में आपको पूरा कार कलेक्शन दिखाने वाला है, तो इसलिए पहले वीडियो को लाइक कर दे। और इतनी धूप हो रही है तो भाई इतना तो भाइयों को सपोर्ट किया करो, क्यों शरीफ भाई? बिल्कुल जनाब। यार भाइयों के लिए इतनी धूप में शूट करते तो लाइक तो बनता है, क्यों भाई? नहीं यार, प्यार तो पूरा करते हैं है ना भाई। तो गाइस सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा। तो शरीफ भाई अब हम आते हैं आज की कार कलेक्शन पे। आपने पढ़ ही लिया था भाई, बहुत बंदों के कमेंट है भाई कि भाई मैं लोगों के कार कलेक्शन दिखाओ, कार कलेक्शन दिखाओ, कार कलेक्शन दिखाओ। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे कार कलेक्शन, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारी कलेक्शन है ना, ये उसका 2% हिस्सा भी नहीं है अभी। सही बात है, जो आपको दिखा रहे हैं जस्ट 2% भी नहीं है। स्टॉक बहुत होता है, बट हम सारी चीज़ आपको दिखा नहीं सकते। सही बात है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज होती है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए शूट स्टार्ट करते हैं। बट आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, शूट ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को भी परेशानी होगी। हाँ जी। तो हम आज इसके बाहर से वॉक अराउंड करेंगे, अंदर से कोशिश करेंगे कि गाड़ियाँ आपको दिखा दें। इंजन वो हम दिखाएंगे, इंजन हमारा दिखाना मैंडेटरी है, कोई गाड़ी के नंबर हाइट नहीं होंगे, कोई इंजन हाइट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर से अगर हम आपको इंटीरियर ना दिखा पाएँ तो आप हमारे साथ एडजस्ट करना प्लीज़। सो गाइस एक बार बता दो, क्योंकि यार जो उसमें हम सिंगल गाड़ी दिखाते हैं उसमें आपको पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यार अगर एट द टाइम अराउंड 8 से 10 गाड़ियाँ हैं, अगर हम सबकी डिटेल्स एक्सप्लेन करने लगे तो अराउंड 1.5-2 घंटे का लोग बन जाएगा और यार कोई इन्जॉय करेगा नहीं। तो इसलिए यार शॉर्ट रखेंगे और बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको एंटरटेन करेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। अरे भाई अब ये भाई है, सबसे पहले हम अपने भाइयों को क्या दिखाने वाले कार कलेक्शन में? देखिए कार में तो हम छोटी गाड़ी से स्टार्ट करेंगे, पर मैं चाहता हूँ एक बार ना छोटा ग्लिम्स दे दो आप, एक पूरी तरफ अगर नजर मारेंगे ना तो हम गाड़ियों के बीच में ही। तो गाइस आज ये हमने यहाँ सर्कल में जब देखिए पूरी कार कलेक्शन हम आपको दिखाने वाले वीडियो में, जिसमें आपकी एसयूवी, हैचबैक, सेडान सारी गाड़ी आने वाली है। तो ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं छोटी गाड़ी। पहले कौन सी गाड़ी स्टार्ट करें भाई? देखिए वो गाड़ी दिखाते हैं जो हर इंसान के बजट में आ जाए, छोटे बजट की ना। ठीक है, हमारे गांव देहात में इस गाड़ी की बहुत डिमांड है आज भी, और जिनका छोटा बजट होता है, जिन्हें गाड़ी हाथ साफ करने के लिए चाहिए होती है, अगर मुझे गाड़ी सीखनी है, मैं सीखने में फिर चेंज कर दूँगा साल भर में, तो ये उनके लिए गाड़ी है। ठीक है, छोटे से बजट में मारुति की स्टीम। ये देखिए बेसिकली शरीफ भाई तो अपनी सेडान की कैटेगरी में आ जाती है, सेडान की कैटेगरी में आ जाती है, और ये इस पैसे में है कि हर बंदा ना, मतलब अपनी कहते हैं कि कॉलेज के बच्चे अपनी पॉकेट मनी में खरीद लेंगे गाड़ी। मतलब इसकी कॉस्टिंग इतनी है जितनी कि आप एक नई स्कूटी लेते हैं, क्यों भाई? लगभग हाँ, एक स्कूटी जितनी कॉस्टिंग है, स्कूटी जितनी इसकी कॉस्टिंग है, आपके घर में एक एक्टिवा आ जाएगा। ये बात है, एक्टिवा के पैसे हम आपको गाड़ी दे देते हैं। तो शरीफ भाई इसकी कुछ डिटेल्स बताओ पहले इस गाड़ी के बारे में। मोहित भाई देखिए 2005 मॉडल है ये गाड़ी। ठीक है, पेट्रोल है, सिंगल ऑनर है, सेम गाड़ी में टायर्स अच्छे डले हुए, अभी ब्रिस्टन के टायर्स हैं, गाड़ी में पावर स्टीयरिंग है, सेंटर लॉकिंग है, अपना क्या कहते हैं पावर विंडोज़ हैं, हीटर है, एसी है। ओके, सब चीज़ें गाड़ी में, प्योर पेट्रोल है। आज तक गाड़ी चली हुई मेरे ख्याल से कोई 75-80,000 है, जेन्युइन विद रिकॉर्ड। ठीक है, आते हैं गाड़ी के बोनट पे, तो एक बार बोनट खोल के दिखा देते हैं आपको गाड़ी। तो शरीफ भाई एक बार उसके आप एक बार बोनट खोल के दिखाइए प्लीज़। बिल्कुल जना, आज मैंने ये सही हुआ इंजन नहीं बोला भाई ने बोला था फिर। तो गाइस ये देखिए एक बार इसका आप इंजन देखिए, इंजन को देखिए, इसके एप्रॉन्स हैं गाड़ी के बोथ साइड्स, ये इंजन है, कोई इंजन में ऑयल लीकेज नहीं है। गाइस मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा, छोटे से पैसे में इससे अच्छी गाड़ी नहीं है आपके लिए कोई भी, कंफर्टेबल गाड़ी है, 5 बंदे आराम से सेफ हैं, सर्दियों का टाइम आने वाला है यार। हाँ जी, तो जो भाई हमारे स्कूटी पे घूमते हैं ना, बेटर ये है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए इस पे जाओ, ठंड का टाइम है, बीमार हो जाओगे, बारिशों का टाइम चल रहा है, उसको डर होता है, गाड़ी यार गाड़ी होती है। सही बात है भाई। सो भाई अब आते हैं मेन, इसकी कॉस्टिंग क्या होने वाली है इस गाड़ी की? मात्र 60,000। सो गाइस आज के लॉन्ग में जो सबसे सस्ती गाड़ी आप देखने वाले हैं वो आपकी ये है 60,000 रुपये में। एंड भाई ये फिक्स है, ये भी नेगोशिएट नहीं, इसमें भी हम आपके लिए करेंगे, ये कोई फिक्स पैसे नहीं है, इसमें भी नेगोशिएट है आपके लिए, 60,000 में भी कम कर लेंगे। ब्लॉक को आगे बढ़ाते हैं, अब आते हैं सिविक के ऊपर। सिविक जो है ये हर नई जनरेशन का दिल है, उस टाइम में भी और आज भी, आज के टाइम में लाइफ में, वैसे बच्चों को देखो जिन्होंने नई नई गाड़ी सीखी होती है चलाने के लिए, या न्यू लाइफ वाले जो होते हैं उन लोगों के लिए ना एक तरीके से उस टाइम भी ड्रीम था। अब इसका नया फेसलिफ्ट वर्जन आ गया है, आज भी यार इस गाड़ी का ना इस जैसा इंटीरियर ही नहीं आया किसी गाड़ी में, जो होंडा ने दिया है ना इसकी टक्कर का इंटीरियर नहीं। और गाइस जो नई होंडा सिविक आई है यार वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है भाई, अलग नेक्स्ट लेवल गाड़ी है वो तो।
तो शरे भाई दिखाते पहले भाइयों को इंजन। हाँ सॉरी भाइयों को पहले इंजन दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए इसका एक बार आप इंजन ये देखिए गाइस, ये इसके एप्रॉन्स हैं, कोई एक्सीडेंटल नहीं गाड़ी, इंजन में कोई ऑयल लीकेज नहीं। इसका बोनेट देख लीजिए, बोनेट पर कोई पेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं, सील्ड गाड़ी है, प्योर पेट्रोल है आज तक गाड़ी, ठीक है, सिंगल ऑनर है। एक बार आप छोटा सा वॉक अराउंड दे लीजिए गाड़ी का, उसके बाद दिखा देते हैं। इसका अंदर का इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, आइए गाइस एक बार आपको इंटीरियर दिखाते हैं। तो शरे भाई अगर हम इसकी इंटीरियर की भी बात करते हैं, इंटीरियर इसका काफी बढ़िया है जी भाई। क्यों शरे भाई? बताया ना कि इसकी टक्कर का इंटीरियर आज तक भी नहीं आया। एंड गाइस ये देखिए इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, आपका कंपनी फिटेड इसमें आपको स्टीरियो मिलेगा, और गाड़ी यार सही में नेक्स्ट लेवल है। एक बार आप पीछे का भी देखिए, आप एक बार गया आपको कार का ओवरव्यू दिखा देते हैं पूरा। क्यों सर भाई कार का ओवरव्यू दिखाई देते हैं अगर भैया को? बिल्कुल। तो कह देगा पूरा कार का ओवरव्यू लीजिए, फिर हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे। तो शरे भाई अब हम आते हैं इसकी क्रॉसिंग गए, इसकी डिटेल्स हो भाई जरा। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा गला ख़राब है मेरा। सो इसकी डिटेल के ऊपर आते हैं भाई। 2007 मॉडल है, सिंगल ऑनर है, प्योर पेट्रोल है, और ये अपना वी वर्जन है, इसके सेगमेंट का टॉप मॉडल 1.8। ठीक है भाई। 1800 cc का इंजन आता है सिविक के अंदर भाई। गाड़ी के टायर्स पर नजर डालोगे कैसे कैसे हमारे डलवाते हैं, ब्रांड न्यू टायर डाले हुए गाड़ी के अंदर MRF के। ठीक है भाई। ठीक है, अब आते हैं भाई मेन इसकी कॉस्टिंग के ऊपर। हाँ जी, क्योंकि सारी चीज़ें मैटर करती हैं कॉस्टिंग से। सो इस गाड़ी की हमने डिमांड की है मात्र 1,65,000 रुपये। 1,65,000। तो एक बार बता दूँ, जितनी भी आप कार्स देख रहे हैं, जो भी उसमें हम आपको प्राइसेस बता रहे हैं, सब में आपके नेगोशिएबल प्राइसेस है। क्यों बिल्कुल जी बिल्कुल। तो गाइस होंडा सिविक का हमने आपका पूरा ओवरव्यू दे दिया है, अब भाई आप कौन सी गाड़ी पे चलता है? यस, मैंने कहा ना कि धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहेंगे, कॉस्टिंग बढ़ती रहेगी उस। तो गाइस धीरे धीरे कॉस्टिंग ऊपर बढ़ती रहेगी। तो अब नेक्स्ट गाड़ी जो आपकी आ गई है वो पोलो। तो गाइस पहले भी हमने इसका एक व्लॉग डाल चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था भाइयों का, तो आज फिर से आपके लिए हम पोलो ले आए हैं। तो चले भाई स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से, पहले एक बार इसका इंजन दिखाते हैं भाइयों। बिल्कुल। सो मोहित भाई स्टार्ट इसके इंजन से होगा। ये देखिए गाइस इसका इंजन देखिए, आप देखिए ये इसके एप्रॉन्स। हाँ जी, सेम इंजन में कोई ऑयल लीकेज नहीं भाई। अगेन जैसा हम बोनेट दिखाते हैं वो, ये 1.2 cc इंजन है, 1200 cc का इंजन आता है पोलो के अंदर। ठीक है भाई। सो ये 1.2 है, देन अंदर इसमें एडिशनल में टच स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, कंपनी अलॉयज के अंदर, ये हाईलाइन वर्जन है। तो गाइस एक बार आपको जरा ओवरव्यू दिखा दूँ, टच स्क्रीन जो है इसमें वो एडिशनल लगा रखी है आफ्टर मार्केट कस्टमर ने, इसमें कंपनी से नहीं आती। टच स्क्रीन के अंदर ही आपको बैक कैमरा भी मिलेगा विद बैक सेंसर्स मिलते हैं। गाड़ी के अंदर बकेट सीट्स कवर अवेलेबल है, मैनुअल ट्रांसमिशन है पेट्रोल वर्जन के अंदर। ठीक है, ये देखिए। तो भाई जो सीट्स कवर लगे हैं काफ़ी बढ़िया है सर, बहुत ही बिल्कुल ब्रांड न्यू लगवाए हम लोगों ने, जैसे हमने अपनी गाड़ी को मेंटेन करके देते हैं ना। हाँ जी, हाँ, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है, पूरा कार का आपको ये भी दिखा देगा, एक डक स्पेस भी देख लीजिए आप। भाई कहेंगे इसकी पटनी नहीं उतरी। हाँ भाई, आप क्या कर सकते हैं, भाइयों को रोक नहीं सकते ना किसी। ये देखिए इसमें कोई आज तक CNG नहीं लगी, क्योंकि अगर CNG लगती है पेट्रोल गाड़ी में तो डिग्गी के अंदर होल्स होते हैं, कोई इसमें CNG नहीं लगी, कुछ नहीं, आज तक प्योर पेट्रोल ड्रिवन गाड़ी। और शरे भाई अगर हम उसकी बात करें बूट स्पेस की, 200 लीटर होगा। बात करें मोहित भाई, आपको पैर फोल्ड करके बिठा देंगे इसके अंदर आराम से, आप आराम से बैठ जाओगे। अच्छा जी, शरे भाई आप तो नहीं बैठोगे? नहीं, मैं छोटे में नहीं बैठता। शरे भाई ऐसे में घुस जाएंगे? मैं वैसे भी फॉर्च्यूनर ही चलाता हूँ ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो चलिए एक बार हम पूरा आपको कार का ओवरव्यू दिखाते हैं, देन उसका दिखाते हैं आपको इसकी कॉस्टिंग बताएंगे जी। अरे भाई एक बार बताइए, कार का वॉकराउंड हमने दे दिया सारा, अंदर से इंटीरियर भी दिखा दिया, अब हम आते हैं इसकी मेन डिटेल्स में। तो भाई डिटेल बताइए जरा। ठीक भाई, इसकी डिटेल में 2010 मॉडल है। ठीक है,
और पेट्रोल वर्जन है ये गाड़ी, सिंगल ऑनर है, हाई लाइन है, दिल्ली नंबर गाड़ी में ब्रांड न्यू टायर डले हुए हैं, इंश्योरेंस होपफुली आई थिंक इसका इंश्योरेंस भी वैलिड है। ठीक है भाई, मेन आता है भाई गाड़ी की कॉस्टिंग के ऊपर, तो मात्र 2,30,000 रुपये इसकी डिमांड है, बाकी इसमें भी नेगोशिएबल है, सो जो भाइयों के लिए बेस्ट होगा वो ऑन टेबल कर देंगे इनके लिए। तो भाई एक बात बता दूँ, ये जो ब्लॉग में देखते हो ये नहीं कि एक ही पोलो अवेलेबल है भाई, क्या आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन कुछ हम आपको लिमिटेड वैरायटी दिखा रहे हैं। अगर पूरी वैरायटी दिखाने लगे भाई फिर तो शहर भाई कितनी देर का ब्लॉग बन जाएगा भाई, 4-5 घंटे का, 4-5 घंटे का ना। तो गाइस वो अभी मैं आपको नहीं दिखा रहे, बाबा को सिलेक्ट नहीं दिखा रहे, तब तक हम नहीं जा पाएंगे ना धूप के अंदर। तभी आपने बोला था कि कार कलेक्शन दिखाओ, तो इसलिए मैंने आपको कार कलेक्शन दिखा दी शहर भाई की। अगले में कुछ और ही बड़े थैंक यू शहर भाई, अगले में हिंदुस्तान का दिल लेकर आ रहा है ना, हिंट दे दिया मैंने, समझदार को इशारा काफी। तो गाइस अभी आपके आ चुके हैं सामने स्विफ्ट डिजायर ओल्ड शेप मॉडल, तो शहर भाई अब इसका पहले हम दिखाते हैं इंजन। बिल्कुल चलेगा, मैं खोता हूँ। वैसे ये वाली शेप ना हमारे साउथ साइड में बहुत फेमस है। ओके जितने भी हमारे साउथ के भाई बैठ के देख रहे हैं। हाँ जी वो अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आप लोगों से व्लॉग में सॉरी मैं अक्सर व्लॉग में जैसे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, कितने भाई होते हैं कहते हैं भैया आप MP का नाम नहीं लेते, आपको MP से नफरत है, आप इस स्टेट का नाम नहीं लेते, तो ऐसा कुछ मत सोचो, मैं किसी स्टेट से नफरत है, ये आप सभी के लिए हैं गाड़ियाँ, हमारा जितना स्टॉक है हमारा जितना माल है वो आप सबके लिए जो देख रहे हैं, आप आइए गाड़ी लीजिए, किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम लेना हमारा वैसे कोई मकसद नहीं होता, हम सिर्फ एक चीज़ बताते हैं आपको कि उस स्टेट में इसकी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो मैक्सिमम जो साउथ साइड से डिमांड करते हैं वो करते हैं इनोवा का डिजायर। इसलिए भी बोलते हैं जब शुरू में बोलते हैं ना कि ऑल ओवर स्टेट जहाँ से बैठ के ब्लॉग देख रहे हैं हमारा, तो गाइस ऑल ओवर स्टेट चाहे कहीं से बैठ के देख रहे हैं, चाहे MP से है, UP से, हरियाणा से भी, जहाँ से बैठ के ब्लॉग देखते हैं आप वो साथ में जरूर मेंशन किया करें। कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से स्टेट्स का नाम ही ना लें ताकि आप लोगों को उस चीज़ का कोई फील ना हो। ठीक है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, सही बात है भाई, हम यही कहेंगे कि हमारे पूरे इंडिया के लिए गाड़ियाँ हैं हमारी, तो आप लोग आओ, आके हमारे मेहमान बन कर आओ आप और गाड़ी लेके चलो। सही बात है भाई, तो चलिए भाई एक बार इसके अब हम बोनट खोल के दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए, देखिए ये अप्रोच भाई गाड़ी के, डीजल इंजन है ये, इंजन में कोई ऑयल लीकेज नहीं, पूरी गाड़ी सही एज इट इज़, एज लुक एज न्यू। ओके तो चलेगा, एक बार आपको अंदर का एक बार इंटीरियर और दिखा देते हैं। मोहित भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें, अन्ना भाइयों को मज़ा नहीं आएगा। एक बार आप जल्दी इसका ओवरव्यू देख लीजिए। डीजल वर्जन है, कंप्लीट स्टीरियो है गाड़ी के अंदर, 4 पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, AC, हीटर्स, क्लैंप और अपना सॉरी बाकी डिटेल्स मैं आपको बाहर देता हूँ। ठीक है, तो चले भाई एक बार भाइयों को बूट स्पेस दिखाएंगे, क्योंकि स्विफ्ट डिजायर है, बूट स्पेस काफ़ी मिलता है हमें, है ना भाई? जी भाई, इतना है कि होटल ना मिले तो खुश हो जाना पालो पर। सही बात है। तो गाइस अब इसका देखिए मेन, इसका बूट स्पेस, तो चले भाई बूट स्पेस की बात करें हमें अराउंड 300-400 लीटर तो होगा ही आराम से। हाँ भाई 350-400। तो गाइस इसका बूट स्पेस मेरे हिसाब से जितनी भी अभी तक स्विफ्ट डिजायर के मॉडल आए हैं सबसे ज़्यादा इसी में है ना भाई, मतलब अपनी सारी स्विफ्ट डिजायर से लंबी चौड़ी गाड़ी यही थी और सबसे ज़्यादा हाई पिकअप भी मुझे इसी में लगा। ठीक है, तो चले भाई अब हम आते हैं मेन इसकी डिटेल्स पे। भाई 2010 मॉडल है ये। ठीक है भाई, VDI वर्जन है, डीजल है। अब हमारे कितने सारे भाई कहेंगे कि भैया 10 साल होने वाले हैं तो बंद हो गई, तो सिर्फ NCR के लिए है, NCR से बाहर इसकी NOC मिलेगी, आप कितना भी लंबा चला सकते हैं गाड़ी को। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन आते हैं भाई गाड़ी की डिमांड के ऊपर, तो 2,40,000 रुपये इसकी डिमांड है, बाकी इसमें भी नेगोशिएबल है, तो जो आप लोगों का सामान होगा वो हम इसमें और कर देंगे। तो गाइस एक बात आपको बोल दूँ, आप मैंने काफ़ी भाई बोलते भी कमेंट सेक्शन में कि भाई यहाँ पे दिल्ली में चले गए, तो गाइस एक बात बताऊँ, हमारे आपके भाई के व्लॉग जो है आप हर जगह बैठ के देखते हैं, ऑल ओवर स्टेट से बैठ के व्लॉग देखते हैं, जरूर नहीं है कि अगर दिल्ली में नहीं चलेगी तो बाहर भी कितनी जगह यार, UP MP हरियाणा, मतलब ऑल ओवर स्टेट हर जगह गाड़ी चल रही है। क्यों भाई, उसका भी एक तरीका बता देता हूँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं अगर आप पीछे प्रॉपर कहीं बाहर से हैं, किसी भी अदर स्टेट से हैं आप, तो आप वहाँ की NOC लेने के बाद, वहाँ का नया नंबर लेने के बाद आप दिल्ली में भी गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, सिर्फ NCR नंबर्स बैन हैं। ओके, अदर्स नंबर बैन नहीं है, क्योंकि दिल्ली सबको अपनाता है, दिल्ली में सब कुछ चलता है। ठीक है भाई, सो इसमें ये कोई आपको टेंशन नहीं है कि भैया ये बंद हो जाएगी, नंबर चेंज करने के बाद भी आप चला सकते हैं NOC लेने के बाद। ठीक है, और ऑल इंडिया तो आप कहीं भी चला ही सकते हो। अगर आपको इसी में थोड़े अपग्रेडेड मॉडल चाहिए तो चेरी बाइक आपको वो भी मिल जाएगी। डिजायर की स्टार्टिंग हमारे पास 2010 मॉडल से हो जाती है, 2019 तक की सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है हमारे पास, न्यू शेप भी, नॉट इवन डिजायर, सारी ही गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी पे, जो कि
वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्स है अपनी मारुति सुजुकी के स्विफ्ट। तो गाइस पहले तो इसका कलर देख यार एक बार। चलो भाई सर कलर बहुत बढ़िया लगता है ये गाड़ी रोज जूस पीती है ना भाई, खूबसूरत लाल हो गई है गाड़ी जूस पीती है। तो सर भाई आते पहले हम इसके इंजन पे तो चलिए गाइस मैं इसका एक बार टॉप इंजन खोल के दिखाऊं इसका। अब गाइस हम आप ये सोच रहे होंगे शरे भाई हर वीडियो में आपको नंबर नहीं बता रहे, क्योंकि यार नंबर आपके सामने आपको दिख रहा होगा, पता नहीं नंबर आपको लोगों को दिख ही रहा है। देखिए ये एप्रॉन्स हैं गाड़ी के भाई, सेम एज इट इज सील्ड डीजल वर्जन, कोई इंजन में ऑयल लीकेज नहीं, कोई बोनट में पेस्टिंग नहीं कुछ नहीं। ठीक है अब आते हैं हम इसके ऊपर। तो आपने नंबर से याद दिलाया, सॉरी हम पिछली वाली में भूल गए, एक बार आप नंबर पर नज़र डाल लीजिए। HR26CH3294 गुड़गांव रेलवे स्टेशन की गाड़ी है ये। हाँ जी। सो ये गाड़ी 2014 मॉडल है, सिंगल ऑनर है, फुल इंश्योर्ड है गाड़ी, सेकंड की गाड़ी की अनयूज्ड है, बस सर्विस रिकॉर्ड चली आज तक जितने भी ड्रिवन हैं हमारी अप्रॉक्स कोई 60,000 के आसपास है बस सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है भाई। टायर्स इसमें नए डल चुके हैं जो हम लोग डलवाते हैं ब्रिस्टन की हर बार। ओके डीजल मॉडल है ना भाई ये? भाई डीजल मॉडल है, डीजल में VDI विद ABS है, इसमें मेरे इंडिकेटर्स मेरे एडजस्टेबल्स आते हैं, बाकी स्टीरियो में एडिशनल लगा हुआ है बाहर से। सो मैं दिखा दूँ एक बार इसके अंदर का भी इंटीरियर जी। अरे भाई जिसमें ये सीट कवर लगा है, सीट कवर काफ़ी बढ़िया है यार जी भाई। सो गाइस ये देखिए इसके सीट कवर देखा, तो शरे भाई इसमें सीट कवर सामने काफ़ी बढ़िया लगवा रखे हैं यार, लाइक जैसे रेड कलर की गाड़ी है और ब्लैक कलर का इसका इंटीरियर है, रेड ब्लैक की कॉम्बिनेशन में बढ़िया लग रहा है जी जी। और गाइस ये देखिए इसमें ये आपका ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये लगवा रखा है एडिशनली आफ्टर एडिशनल। ठीक है ठीक है। तो एक बार बैक सीट भी दिखाएं आपको, ये देखिए बैक सीट भी काफ़ी बढ़िया है। स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्यों शरे भाई? बिकॉज मोहित भाई भी यही चलाते हैं पर्सनली। मैं अपनी बात नहीं कर रहा वैसे भी भाई, इवन मैं खुद सोच रहा था न्यू वाली लेने को प्लान कर रहा था मैं भाई, शरे भाई सोच रहे होंगे मैं चलाता हूँ इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। भाई वो तो है ही शरे भाई यार, बताने की जरूरत नहीं भाई को, देखो वो तो है लिटरली भाई, क्यों गलत तो नहीं बोला ना मैंने? नहीं बिल्कुल नहीं। सो गाइस ये देखिए इसका बूट स्पेस, तो शरे भाई पोलो के मुकाबले तो बहुत ज्यादा कम है यार इसका बूट स्पेस भाई, ये फिर इसमें बैठने के लिए स्पेस ज़्यादा है ना। हाँ नागर नहीं आ रहा था तो गाइस ये देख लो, तुम नागर नहीं आ रहा तुम्हारे लिए व्लॉग शूट करते करते भी देख लो पार्टी चल रही है पूरी यार, मेहनत कर रहे भाइयों के लिए। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, 1 मिलियन होने वाले हैं और अपने साथ में शरे भाई खड़े पार्टी देने वाले हैं बिना मोहित। अभी ने बोला यार एक ही डर लो कभी तो कुछ चेंज करके बोलता करो मेरे भाई। क्या चेंज करके बोलो बताओ यार, सीरियसली गर्मी बहुत है आज भाई। डेफिनेटली भाई नहा लो, तुम नहा के नहीं आए घर से? नहा लो यार। नहीं नहा भाइयों को एंटरटेन करना है यार, भाइयों को बड़े बड़े ब्लॉग भी तो देना बनता है, क्यों शरे भाई? बिल्कुल जी। कार की हमें पूरी स्पेसिफिकेशन दे दी है भाइयों को, तो अब होते हैं इसकी डिटेल्स को। शरे भाई तो बताइए इसके बारे में। भाई 2014 मॉडल है ये गाड़ी, सिंगल ऑनर है। ठीक है भाई। और आपका VDI वर्जन है, VDI ABS। ओके HR रजिस्ट्रेशन में है गाड़ी, फुल इंश्योर्ड है, सेकंड की अनयूज्ड है गाड़ी की, पर सर्विस रिकॉर्ड ड्रिवन है। मेन आते हैं भाई गाड़ी की कॉस्टिंग के ऊपर, तो गाड़ी की जो डिमांड है आपकी वो है 3,95,000। 3,95,000 रुपये बाकी इसमें भी नेगोशिएबल। ओके तो गाइस अब आपके लिए नेक्स्ट गाड़ी आ चुकी है रेनॉल्ट की जस्टर। तो जैसे हमने आपको सेडान भी दिखाई, हैचबैक भी दिखाई, अब हम आपके आते हैं SUV पे। तो ये बेसिकली MPV होती है ना शरे भाई? MPV सेगमेंट होता है। ठीक है तो स्टार्ट कीजिए भाई। गाड़ी का नंबर DL8CAK0914। मोहित भाई की पार्टी चल रही है, क्या करें भाई गर्मी भी तो इतनी हो रही है भाई, भाई के लिए शूट भी तो करना बनता है ना। बढ़िया बढ़िया। सो गाइस ये गाड़ी इसका आप इंजन का ओवरव्यू देखिए पूरा, जिसके एप्रॉन्स हैं जैसे हमारे बार गाड़ी में दिखाते हैं, इंजन में कोई ऑयल लीकेज नहीं है, बोनेट में आप देख सकते हैं बोनेट में कोई पेस्टिंग नहीं गाड़ी के। ये गाड़ी रेनॉल्ट डस्टर 2015 मॉडल है, सिंगल ऑनर। ये RX-Z है, 110 BHP, RX-Z में 110 BHP है, सबसे टॉप मॉडल है ये। जरा एक बार वहाँ शूट मारने जरा। अरे करो भाई करो करो, इंसान तुम हमें कर रहे थे तो हमने सोचा हम देख ले ले। गाड़ी में टायर्स बिल्कुल ब्रांड न्यू डले हुए हैं अपोलो के, गाड़ी फुल इंश्योर्ड है। एंड आपको थोड़ा सा अंदर से हम पूरा वॉक अराउंड दिखा पाएंगे वरना वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो जब आप ऑफिस विजिट करेंगे तब देख लें। इसके अलावा और भी बहुत ऑप्शन है, आप बाहर से वॉक अराउंड आपको भी दिखा।
बस ये देखिए इसका इंटीरियर। तो चलिए भाई मुझे सीट कवर ये एडिशनल है लगवाए कंपनी की? एडिशनल लगे हुए इसके अंदर, एडिशनल लगे हुए। ठीक है, बैक सीट दिखा दी तो बैक स्पेस भी दिखा देते हैं। बैक स्पेस दिखाते हैं भाई। RX Z 110 BHP है ये। इसके अंदर आपको कंपनी के साइड से ये देखिए पहले तो बैक स्पेस तीन से चार लीटर तो आराम से होगा ना भाई? बिल्कुल भाई, कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, घर पे बच्चे जाता हूँ तीन चार, तो इसके अंदर स्टूल रख के बिठा देना, आराम से पहुँचेंगे। फाइव सीटर होते हुए भी 7 बन जाएगी। शरे भाई या तो भाई सब कुछ पॉसिबल है। क्यों शरे भाई? हमारे होते हुए घबराना किस चीज़ का? सही बात है। तो शरे भाई एक बात बताइए, कार का हमने वॉकआउट दे दिया, भाई को डिटेल्स दे दी, आप इसकी आते हैं मेन डिटेल्स पे। शरे भाई डिटेल्स भाई 2015 RX Z टॉप मॉडल सिंगल ऑनर। हाँ जी, इसमें हमें आपको सॉरी कंपनी के साइड से कंपनी अलॉयज मिलते हैं, एयरबैग मिलते हैं हमें गाड़ी के अंदर आपकी। हाँ जी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, मेरे एडजस्टेबल्स हैं गाड़ी के अंदर, टायर्स हमने नए डलवा रखे हैं। मेन आते हैं भाई इसकी कॉस्टिंग के ऊपर, तो गाड़ी की जो डिमांड है वो है मात्र 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये बाकी इसमें भी नेगोशिएबल। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, एक इसी के सेगमेंट की इससे बड़ी गाड़ी हम और दिखाने वाले हैं, तो फिर शूट पॉइंट करते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, तो वैस ये देखिए लास्ट आज के लॉक की जो लास्ट गाड़ी है वो आपकी ये है चेवरलेट की कैप्टिवा। ये 7 सीटर गाड़ी है गाइस, और इसकी प्राइस सुन के ना आप डेफिनेटली ये गाड़ी लेने जैसा, अगर ये रात को 9 बजे डलेगा ना आप नेक्स्ट सुबह यहीं मिलोगे, बट हाथ जोड़ के गुजारिश है मंडे ना आना प्लीज़। तो गाइस ये देखिए इसका इंजन, इंजन काफ़ी बल्कि है शरे भाई इसका। जी भाई, इंजन इसका काफ़ी बल्कि है भाई, गाड़ी भी तो देखो वो तो है पूरा जहाज़ है ये। तो शरे भाई एप्रॉन्स गाड़ी के एट द टाइम में गाड़ी अब नहीं आ रही फिलहाल, है ना? नहीं फिलहाल नहीं आ रही है। अगर अगर इसमें हम कंपैरिजन करें फॉर्च्यूनर एंडेवर से, तो क्या ये गाड़ी उनको टक्कर देने वाली गाड़ी में से एक है? ये फॉर्च्यूनर एंडेवर को टक्कर देने वाली नहीं है, बट ये सेंताफी को टक्कर देने वाली गाड़ी है। ये डस्टर को, इको स्पोर्ट को, अर्टिगा को, ब्रिजा को, क्रेटा को, इन सबको टक्कर देने वाली गाड़ी है। इन सबसे ऊपर ही निकलेगी इसकी पावर। ओके जी, तो शायद इंजन हमने आप लोगों को दिखा दिया, गाड़ी का नंबर देख लीजिए HR20AF 3154 HR रजिस्ट्रेशन में है, कोई 10 साल की टेंशन नहीं, 15 साल वाली है HR20। तो चलेगा अगर आपको इसके अंदर का इंटीरियर दिखा दे, क्योंकि हाँ इसका इंटीरियर काफी बढ़िया है, आपको दिखाई दे रहा। देखिए बॉस, ये गाड़ी में हमें बकेट सीट्स कवर मिलते हैं कंपनी के साइड से, कंपनी पर स्टीरियो है, गाड़ी के अंदर क्लाइमेटिक कंट्रोल आते हैं, स्टीयरिंग पे सब कंट्रोल्स आते हैं हमारे, प्लस एयर बैग्स हैं गाड़ी के अंदर आपके। सो ये गाड़ी आपके लिए पीछे, आपको अगर आप पीछे ध्यान देंगे तो ये मिड सीट के बाद ना लास्ट में भी इसमें सीट्स हैं, ये 7 सीटर में कन्वर्टेड है गाड़ी, इसे आप 5 भी कन्वर्ट कर सकते हैं 7 भी, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही है। अभी आपको इसका वॉक अराउंड दिखाएंगे हम, उससे पहले हम आपको एक बार इसका ना ये डक स्पेस दिखा देते हैं। देखिए मोहित भाई, अगर हम इसकी सीट सारी ओपन रखते हैं हाँ जी, इसका डक स्पेस हमें ये इतना ही मिलता है छोटा, बट अगर हम इसे 5 सीटर में कन्वर्ट करना हो, फैमिली, मैंने बताया ना फैमिली छोटी है, सामान ज़्यादा है, तो ये हमारी 5 सीटर कन्वर्ट हो गई और इतना हमें स्पेस मिल जाता है। तो भाई आराम 400-500 लीटर का बूट स्पेस आराम से बनेगा। इधर अंदर बैठ के दिखाना डक में, अंदर बैठ के चलो गए शरे भाई की छाई पूरी कर देते हैं। सो गए यार सही में भाई, डक स्पेस तो काफ़ी है। शरे भाई बैठ जाओगे इसके अंदर? नहीं मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन तुम्हारा हक में कैसे मारूँ भाई, तुम्हारा हक है। लेकिन गए स्पेस की मामले में तो भाई काफ़ी इसमें यार, स्पेस वाइज भी अगर आप हेडरूम भी है ना, अगर कोई ऐसे सीट फोल्ड करके वैसे भी नॉर्मली बैठ जाते, कोई बैठेगा नहीं जी, लेकिन हेडरूम भी काफ़ी है, मतलब बहुत है, मतलब वही है। देखिए गाइस, हमने आपको एग्जांपल के लिए बस मौज मस्ती के लिए ऐसा दिखाया, ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन तब भी हमने आपको दिखाया कि मतलब अगर कोई बैठ जाए फोल्ड करके भी, हमने किया हुआ है ना, आप करते हो? हम करते हैं। सारी कार के आपको डिटेल्स बता दी, आज के लॉन्ग में जो सबसे लास्ट गाड़ी थी वो थी आपकी चेवरलेट की कैप्टिवा, तो इसकी डिटेल्स शेयर करते हैं अपने शरे भाई का। तो शरे भाई प्लीज शेयर करो, बैठे हैं डस्टर पे, गर्मी बहुत है, बहुत है यार, बहुत ज़्यादा, थोड़ा छातों का इंतजाम करो ना नेक्स्ट व्लॉग से भाई, व्लॉग ख़त्म कर लो पहले, तो लास्ट गाड़ी है तो भाई प्लीज डिटेल शेयर करो कि सॉरी 2013 मॉडल है कैप्टिविया, ठीक है, HR रजिस्ट्रेशन में है, 15 साल चलेगी आपकी आराम से, उसके बाद भी आप NOC अदर स्टेट के लिए ले सकते हैं,
डीजल वर्जन है, एल टी मॉडल है, सेकंड टॉप है। उसके ऊपर आता है एल टी में एक्सट्रीम, एक्सट्रीम के अंदर सनरूफ आता है, ये विदाउट सनरूफ है, ये नॉर्मल कैप्टिव एल टी है। भाई गाड़ी की कॉस्टिंग ऐसी होने वाली है हर किसी भाई के बजट में, ठीक है। डस्टर हमने आपको दिखाई है भाई 2014 मॉडल, 5 लाख में, हम इससे भी कम देंगे, 7 सीटर, 7 सीटर इससे भी कम दाम में, इससे भी कम दाम में आपको। तो ये गाड़ी की डिमांड है भाई 4,70,000 और उसमें भी नेगोशिएबल, जो मेरा भाई आएगा उनके लिए गाड़ी अवेलेबल है। तो गाइस एक बार बता दूं, मैं एक बात आपको काट के बोलना चाहूँगा, 4,70,000 ऑल्टो केटन का जो टॉप मॉडल आता है ना, वो 4,70,000 के करीब आता है भाई। जी बिल्कुल, नई गाड़ी 4,70,000 में आपको इतना भारी भरकम बीच मिल रहा है क्यूशर है भाई, और अपने टाइम में ये एक सबसे पावरफुल गाड़ी में से एक थी क्यूशर है भाई। आज भी है, कंपनी भले ही चली गई, हाँ जी, बट इस गाड़ी की ना पावर यार अलग ही अल्टीमेट। हाँ, तो गाइस 4,70,000 है जो कि नेगोशिएबल है, जो कि नेगोशिएबल। अब शरे भाई, अब हम बात करते हैं जो आज के लोगों ने सारी गाड़ी दिखाई है, अगर हम उसको छोड़ दें ओनली स्टीम गाड़ी को, बाकी गाड़ी हो जाएंगी फाइनेंस, बाकी सब गाड़ियाँ फाइनेंस, कितना भाई डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी? स्टीम, सिविक और पोलो को छोड़, अच्छा बाकी सब फाइनेंस, पोलो को छोड़ के बाकी सब फाइनेंस है, फाइनेंस हो जाएगी। वही मिनिमम 40-50,000 आपने देना है, और इसके लिए आपने 1 लाख के आसपास देना, बाकी सब नेगोशिएबल है। ओके ओके, ठीक है। तो चलिए यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यार आज के लग में हमने आपको जितना हो सका एक बढ़िया कार कलेक्शन दिखाई, कार हम और ऐड करने वाले थे लेकिन यार बहुत ज़्यादा अभी हम कर रहे हैं, अभी हम जा नहीं रहे हैं, इसके बाद भी सेम शूट हमें एक और करना है आपके लिए, जिसमें हम आपके लिए आप लोगों को ना हिंदुस्तान का दिल लेके आने वाले हैं, काले और सफ़ेद रंग का, काले और सफ़ेद रंग का। सो हमारे घर जाने में भी टाइम है, आप लोग आराम से रेस्ट। लेकिन यार कहने का मतलब ये है कि इस व्लॉग में हमने आपके लिए लिमिटेड गाड़ी रखी, क्योंकि यार धूप बहुत ज़्यादा, इसलिए यार आपके लिए लिमिटेड शूट किया है, लेकिन जिस दिन मौसम बढ़िया होगा उस दिन और काफ़ी क्वांटिटीज बढ़ेगी क्यों शरे भाई। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंडिया का दिल लेके 20 हफ्ते के लिए, बाय बाय। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं हम ब्लॉग को, तो शरीफ भाई ये तो सबसे पहले हैं, उन्हें भाइयों को क्या दिखाने वाले हैं? अबे इसका वो गंदा कमेंट डाल देंगे तो। तो शरीफ भाई जैसे हमने होंडा सिविक की पूरी लकड़ी से खेल लो,